हेलो स्टूडेंट्स, VII IC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई नई जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बिल्कुल छोटा सा एनालिटिकल एक रिव्यू है। जो आप हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो पीवी ने एक मेरिट लिस्ट अभी जारी की थी और उस मेरिट लिस्ट में किस प्रकार से कैटेगरी वाइज उन्होंने जो है मार्क्स दिखाए थे और उसमें जो है चार प्रकार से उनको प्रदर्शित किया था, जिसमें कि ओबीसी निल था, एससी निल, एसटी निल और यूआर, और इनको जो है गेस्ट फैकल्टी अलग और नॉन गेस्ट कैटेगरी अलग, इस प्रकार से उन्होंने एक मेरिट लिस्ट जारी की थी। और इस मेरिट लिस्ट को देख करके हम काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है और हमारी स्थिति कैसी है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि भाई हमसे ऊपर कितनी फीमेल है, क्योंकि वहां पर फीमेल को कैटेगराइज नहीं किया गया है, विकलांग वर्ग को शामिल नहीं किया गया है, EWS को शामिल नहीं किया गया है। तो ये आगे आने वाला जो 20 तारीख को और 29 तारीख को जब ये प्रोविजनल एक मेरिट सूची जारी होगी तो उसमें इस प्रकार से बिल्कुल पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन हमको मेरिट लिस्ट चाहे बाद में आए, प्रोविजनल कुछ भी 29 तारीख को या 20 तारीख को जो लिस्ट आए, लेकिन मार्क्स तो यही रहने वाले हैं, तो मेरिट लिस्ट तो बिल्कुल यही रहेगी। और जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं उन यदि पोस्ट के बीच में आ जाते हैं, वो पोस्ट की कैटेगरी वाइज में नंबर में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होगा। तो इसी के संदर्भ में मेरा ये जो वीडियो है इसमें मैं एससी एसटी ओबीसी और जनरल में हर सब्जेक्ट के वाइज किसके हाईएस्ट मार्क रहे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसका एक एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति हो सकती है, जिससे आप अंदाज लगा सकेंगे कि आगे आने वाली रिक्तियों में हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और हमें उसका क्या फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नॉन गेस्ट की, दोनों की बात करेंगे हम, अलग अलग मेरिट लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया है, जो हाईएस्ट मार्क रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। केवल नंबर की बात करूंगा तो अन्य जो अतिथि नहीं है यानी कि नॉन गेस्ट हैं, तो वहां पर हम देख लें, सबसे पहला सब्जेक्ट ले लेते हैं हिंदी। तो हिंदी में जनरल में हाईएस्ट मार्क रहे हैं 142.87, जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है, एक नोटशीट भी है अलग से, आप उसको देख सकते हैं। ओबीसी में 143.03, एससी में हाईएस्ट मार्क है 125.14 और एसटी में है 117.86। यहां दोस्तों आप देखो कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क है वो ओबीसी का कैंडिडेट है 143.03, उसके बाद जो है जनरल में जनरल का नंबर आता है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क है जनरल कैटेगरी में 133.56, ओबीसी में 134.58, एससी में 120.20 और एसटी में 124.31। तो यहां पर भी दोस्तों देखो कि ओबीसी में इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट मार्क वाला व्यक्ति है। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत की, संस्कृत में जनरल में 138.50, ओबीसी में 133.41, एससी में 128.64 हाईएस्ट मार्क है और एसटी में 118.11 हाईएस्ट मार्क है। और यहां पर जरूर जनरल कैटेगरी वाले ने टॉप किया है 138.50 मार्क्स। उर्दू, उर्दू में केवल दो कैटेगरी में दिया हुआ है इन्होंने, जनरल और ओबीसी, तो जनरल में जो दिया है वो है 123 मार्क और ओबीसी में 125। तो यहां भी देखा दोस्तों आपने कि ओबीसी वाले कैंडिडेट ने हाईएस्ट मार्क प्राप्त किए हैं उर्दू में। मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स का काफी हाई परसेंटेज गया है दोस्तों, जनरल में 139.54 जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, ओबीसी में 141.01, एससी में 121.53 और एसटी में 107.01। यहां पर भी ओबीसी वाले ने ही टॉप किया है 141.01 मार्क्स लेकर के। उसके बाद में साइंस की बात कर लें, बायोलॉजी साइंस की बात कर लें तो वहां पर जनरल कैटेगरी को मिला है 132.23 मार्क्स, ओबीसी को मिले हैं 137.14 मार्क्स, एससी को मिले हैं 121.35 मार्क्स और एसटी को मिले हैं 115.93 मार्क्स। तो यहां भी दोस्तों देखो साइंस में भी ओबीसी वाले ने ही टॉप किया है 137.14 मार्क्स के साथ में। सोशल साइंस की बात करें तो 137.20 मार्क्स हाईएस्ट रहा है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 133.15, एससी का 122.70 और एसटी का 109.08 मार्क्स टॉप कंडीशन में है।
तो दोस्तों यदि हम इसका रिव्यू देखें, एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे कि ओबीसी कैंडिडेट हमें टॉप पर है, और ये ओबीसी कैंडिडेट जो कहां जाएगा, ये अनरिजर्व में चला जाएगा, इसलिए ओबीसी कैंडिडेट वालों को फायदा हो सकता है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, इस एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा रिव्यू है अतिथि का, जो कि अतिथि है उसकी बात कर ले हम। सबसे पहले वही ले लेते हैं, हिंदी। हिंदी में हाईएस्ट मार्क रहे हैं अतिथि जनरल, गेस्ट जनरल में 127.25, ओबीसी में 131.46, एससी में 120.93, एसटी में 113.73 मार्क्स। तो यहां भी देखा जाए तो गेस्ट में भी हिंदी में 131.46 मार्क्स के साथ ओबीसी हाईएस्ट कंडीशन में है। उसके बाद में हिंदी के बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में गेस्ट फैकल्टी में सबसे हाईएस्ट मार्क रहे हैं जनरल में 128.42, ओबीसी में 122.26, एससी में 120.20, एसटी में 107.87, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो है जनरल कैटेगरी वाले ने टॉप किया है इंग्लिश में 128.42 मार्क्स के साथ में। तीसरा सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में जनरल में 127.69, ओबीसी में 133.41, एससी में 117.04 मार्क्स, एसटी में 118.11 सबसे हाईएस्ट रहा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, संस्कृत में भी ओबीसी वाले ने टॉप किया है, लेकिन एक और बात यहां पर नजर आ रही है कि एसटी कैंडिडेट्स के मार्क्स एससी वाले कैंडिडेट से ज्यादा हैं। एसटी 118.11 जबकि एससी 117.04 मार्क्स। तो एसटी कैंडिडेट यहां पर देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि एसटी कैटेगरी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं उर्दू की। तो उर्दू में जनरल में 110 हाईएस्ट है और ओबीसी में 119 हाईएस्ट है। यहां पर भी ओबीसी वाले कैंडिडेट ने टॉप किया है, जब एससी एसटी यहां पर कैटेगरी उन्होंने नहीं दी हुई है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों जनरल में 134.62 नंबर वाला कैंडिडेट सबसे हाईएस्ट है, ओबीसी में 125.87, एससी में 121.53 जैसा कि दिखाई दे रहा है, एसटी में 101.49 मार्क्स के टॉप किया हुआ है, और सबसे हाईएस्ट मार्क रहे हैं जनरल कैटेगरी के 134.62 मार्क्स। उसके बाद में साइंस की बात कर लें दोस्तों, तो साइंस में जो गेस्ट फैकल्टी में सबसे हाईएस्ट मार्क जनरल कैटेगरी में रहे हैं वो रहे हैं 122.04, ओबीसी में 126.38, एससी में 110.93 और एसटी में 113.44। और यहां पर भी ओबीसी वाले कैंडिडेट ने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं 126.38। और यहां पर भी एक और निमित्त एक और चीज देखने को मिलती है, वो है एसटी कैटेगरी के मार्क्स का एससी से अधिक होना। एससी है 110.73 और एसटी है 113.44। चलिए इसके बाद आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो है गेस्ट फैकल्टी में हाईएस्ट मार्क जनरल के रहे 118.71, ओबीसी के 122.23 मार्क्स, एससी के 109.59 एंड एसटी के 108.05 आउट ऑफ 150। तो ये आपने देखा, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि दो चीजें हमको देखने को मिलती हैं। एक तो ये है कि अधिकतर कैंडिडेट ओबीसी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने की टॉप किया है, और टॉप 10 भी देखा जाए यदि सभी सब्जेक्ट का, तो वहां पर जो है ओबीसी के कैंडिडेट टॉप 10 में काफी संख्या में है। तो निश्चित रूप से यदि ये अनरिजर्व में चले जाते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट को जो कम नंबर वाले हैं उनको इसका लाभ मिल जाएगा। और एक बात और इसमें नजर आती है कि एससी और एसटी कैटेगरी के मार्क्स के डिफरेंस में बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, अंतर भाव काफी कम रहा है। तो यहां पर यह देखने वाली बात है कि एसटी कैंडिडेट्स ने भी यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये हमारा जो है एक हाईएस्ट मार्क का एनालिसिस था। इतने टफ पेपर के बाद भी इतना हाईएस्ट परसेंटेज चला गया है, और जिनमें की ज्यादा पोस्टें निकली हैं, जैसे कि यदि हम इंग्लिश की बात कर ले तो वहां पर 3000 से ऊपर पोस्टें हैं, 3500 के लगभग पोस्ट आई हैं। तो वहां पर देखा जाए तो इंग्लिश का जो हाईएस्ट परसेंटेज गया है वो गया है 134.58, और यदि इसके नीचे चले जाएं तो क्वालिफाइंग मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन इसमें हो रहा है। 90 मार्क्स वाले
का भी सिलेक्शन इंग्लिश में हो रहा है। यही स्थिति वर्ग एक में है, यही स्थिति वर्ग दो के इंग्लिश में है। बाकी सभी सब्जेक्ट में पोस्ट काफी कम संख्या में आई है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है सभी लोग मिलकर के एक बढ़िया आंदोलन करें, गवर्नमेंट को ज्ञापन दें और इसके प्रयास में तब तक कमी ना करें जब तक कि हमारे पोस्ट इंक्रीज ना हो जाए। नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात है, काफी संख्या में जो पात्र उम्मीदवार हैं, काफी अच्छे मार्क्स वाले हैं, वो पीछे रह सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एक रिव्यू था, एक एनालिसिस था। इस रिव्यू एनालिसिस से आप अपनी कंडीशन को पता लगा सकते हैं कि मैं किस स्थिति में हूं। पोस्ट भी क्लियर हो गई है, आपकी मेरिट लिस्ट भी क्लियर हो गई है। अब EWS लग करके जब बाद में जो प्रोविजनल सूची जारी होगी तो वहां पर से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब आप ये मान के चलिए कि जो इस कैटेगरी इस मार्क्स के अंदर में आ रहे हैं पोस्ट के साथ में, उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं, अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।